माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में 62,000 ग्राम पंचायतों का अति महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाने को अनुमति दिया है शून्यकाल में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गांव गरीब किसान के विकास के लिए 14वें वित्त आयोग में भारत सरकार द्वारा सीधे ग्राम पंचायतों के खाते में धनराशि देने की व्यवस्था की गई है, जिससे गाँव के लोग स्वयं तय कर सकें कि कहां पर किन चीजों की किस विकास की जरूरत है और गांव का समग्र विकास हो सके। पहले ग्राम प्रधानों द्वारा बनाई गई कार्य योजना का कि आईडी ब्लॉक स्तर पे बनाई जाती थी, बनाने की व्यवस्था थी, जिससे कार्य कराने में सुविधा होती थी, परंतु 14वें वित्त आयोग से जो भी विकास कार्य की योजना बनाई जा रही है उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिला स्तर पर आईडी बनाने का आदेश दिया गया है, जिससे आज तक पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी ग्राम पंचायत का आईडी न बनने के कारण 14वें वित्त आयोग से एक रुपए के भी विकास कार्य नहीं हो पाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र जनपद कौशाम्बी में जिला प्रशासन द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि ग्राम पंचायत स्वयं कार्य न कराकर जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए किसी नामित संस्था या एनजीओ द्वारा कार्य कराया जाए, जबकि ग्राम पंचायत स्वयं में एक कार्यदायी संस्था है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय ग्रामीण मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि तत्काल हस्तक्षेप करें और प्रदेश सरकार को दिशा निर्देश जारी करें कि 14वें वित्त आयोग की धनराशि से पूर्व की भांत ब्लॉक से आईडी बनाने की अनुमति दें, जिससे केवल ग्राम पंचायतों को कार्य कराने का अधिकार रहे। धन्यवाद।